दोस्तों आप अगर आर्टिस्ट हो तो आपको ब्लेंडिंग स्टम्प्स के बारे में मालूम होगा, जो कि इंपॉर्टेंट टूल होता है स्केचिंग करने के लिए या शेडिंग करने के टाइम पे। हमने एक वीडियो बनाई थी ड्राइंग टूल्स फॉर बिगिनर्स, उसमें भी मैंने आपको ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प सजेस्ट किया था, आपको दिखाया था कौन सा स्टम्प होता है वो। तो आज हम देखने वाले वो ब्लेंडिंग स्टम्प हम घर पे कैसे बना सकते, तो चलिए देखते कैसे हम बना सकते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प को पेपर के मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प्स कैसे होते हैं, जो कि मार्केट से आपको मिलते हैं, बट ये मैक्सिमम बड़े साइज का ब्लेंडिंग स्टम्प है। तो अभी हम पेपर से ब्लेंडिंग स्टम्प बना के देखते हैं। सो ब्लेंडिंग स्टम्प बनाने के लिए आपके पास एक पेपर होना चाहिए, जो कि रफ पेपर भी चलेगा, कौन सा भी आपने यूज़ किया होगा वो। उसके बाद सेलो टेप चाहिए, उसके बाद जो सैंड पेपर होता है वो आपको एक लगेगा, और नॉर्मल जो कटर होता है वो आपको यूज़ होने वाला है। सो चलिए आप बना के देखते हैं। सो सबसे पहले आपको जो पेपर है वो, अगर बड़ा पेपर हो तो आप हाफ कट कर सकते हो उसको, और सिंपली आपको साइड से उसको रोल करना है। ऐसे आपको दो तीन बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोल प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसको दो तीन बार ओपन करके वापस आप रोल कर सकते हो, उससे अच्छे से आपका रोल हो जाएगा पेपर। उसके बाद जो दूसरा आपने पेपर लिया है वो भी आप इस पे ऐड कर सकते हो बीच में से, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से वो आपको मोटा पे ब्लेंडिंग स्टम्प मिल जाएगा। उसको अच्छे से आपको फोल्ड करना है सभी साइड से। और इसको सेलो टेप से आपको स्टिक करना है, ताकि वो निकल ना जाए। उसके बाद आपको जो ये यहाँ पे लूज पोर्शन दिख रहा है, जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लूज पोर्शन मिलेगा, वो कट करके लेना है कटर से। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा आपको पोर्शन निकालना है, ताकि वो पॉइंटेड आपको अच्छे से मिल जाएगा। जैसे आप नॉर्मल ब्लेंडिंग स्टम्प पे देखते हो एक पॉइंटेड टिप होता है उसका, वैसे आपको करना है। ज़्यादा पॉइंटेड नहीं किया तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा आपको करना है उस पर से, जो भी थोड़ा थोड़ा कटर से कट करना है ऊपर ऊपर से। उसके बाद सिंपली आपको सैंड पेपर लेना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा इसको घिसना है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए वो। अच्छे से सब साइड से आपको इसको घिसना है। ये सैंड पेपर आपको पेंसिल, जो आप लीड अच्छे से कट करते हो उसको कटर से, उसके लिए भी यूज़ होता है। सो अभी आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंडिंग स्टफ तैयार हो गया। अभी इसको यूज़ करके भी देखते हैं, ताकि आपको पता चलेगा ये अच्छे से यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो अभी हम यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ होता है। सो सबसे पहले मैं एक शेडिंग करके लेता हूँ थोड़ी। तो अभी हम इसको ब्लेंड करके देखते हैं अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है कि नहीं। सो जैसे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है। नॉर्मल जैसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड होते हैं, वैसे इससे भी हम ब्लेंड कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, हमने एक सिंपल रफ पेपर की मदद से एक ब्लेंडिंग स्टम्प को बनाया, और आपने यूज़ भी करके उसको देखा कि कितने अच्छे से वो यूज़ हो पा रहा है। सो आप भी अपने घर पे वो ब्लेंडिंग स्टम्प बना सकते हो, ताकि आपका जो 70-80 रुपीज़ ब्लेंडिंग स्टम्प बाय करने में जाएगा वो आपका बच सकता है, और उससे बाकी आप ड्राइंग मटेरियल्स ले सकते हो। सो आने वाले टाइम में ऐसे और भी हैक्स आपको देखने को मिलेंगे अपने चैनल पर। सो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो चलिए आज के वीडियो यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप स्केच आर्टिस्ट हो तो साइड का जो वीडियो है वो ज़रूर चेक करना, बेस्ट पेंसिल के ऊपर वीडियो है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।